आइए आज हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। आपने पिछली कक्षाओं में अम्ल और क्षारक के गुणों के विषय में जाना है। आप जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और संक्षारक प्रकृति के होते हैं। यदि ये हमारी त्वचा या अन्य वस्तुओं पर लग जाए तो उसे नुकसान पहुंचाते हैं या हमारी त्वचा में फफोले भी पड़ सकते हैं। इसी तरह से आप जानते हैं कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और ये थोड़े चिकने या साबुनी प्रकृति के होते हैं। अम्ल और क्षारकों की जब आपस में क्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। अब अम्ल, क्षारकों और लवण के और अधिक गुणों को जानने से पहले आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये अम्ल और क्षारकों की हमारे प्रकृति या हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर हमें अम्ल और क्षारकों के विषय में अधिक जानना क्यों जरूरी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक खूबसूरत सा पुष्प का पौधा है। यह पुष्प हाइड्रेंजिया कहलाता है। आप देख रहे हैं कि यह दो कलर में दिखाई दे रहा है, एक नीले कलर का है और दूसरा लाल कलर का है। मैंने ये पौधा अपने घर में लगाया। जब मैंने अपने घर में ये पौधा लाया तो ये इसके पुष्प नीले रंग के थे, लेकिन कुछ महीनों के पश्चात इसके पुष्प का रंग, जो नए पुष्प आ रहे थे, उनका रंग गुलाबी से लाल होता जा रहा था। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि ये जो हाइड्रेंजिया का पौधा है, यह मिट्टी की जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है। यदि मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है तो इसके फूलों का रंग नीला हो जाता है, और जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाती है तो इसके फूलों का रंग गुलाबी से पर्पल होते हुए लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो यही कारण था कि जब मिट्टी की प्रकृति अम्लीय थी तो इसके पुष्पों का रंग नीला था, और जैसे जैसे ही मिट्टी की प्रकृति अल्कली होती गई तो उसके कारण इसके पुष्पों का रंग लाल होता गया। इसी तरह से आपने पेट्यूनिया पुष्प के पौधे भी देखे होंगे, भिन्न भिन्न रंगों के दिखाई देते हैं। इनमें भी रंग परिवर्तन या इसके भिन्न भिन्न रंगों के रूप में मिलने का कारण भी इसका अम्ल या क्षारकता के प्रति संवेदनशील होना होता है। पुष्प या हमारी प्रकृति ही नहीं, हम स्वयं भी अम्लीयता और क्षारीयता से प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम जब लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में अम्लीयता या बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी का होना। आप जानते हैं यह ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे शरीर में जो आमाशय है उसकी जठर ग्रंथियों के द्वारा HCl अम्ल का सिक्रेशन किया जाता है, जो कि हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम भोजन करते हैं तो यह अम्ल उसमें मिल जाता है और उस अम्ल का उपयोग हो जाता है। लेकिन जब हम कभी समय पर भोजन नहीं करते या जब हम व्रत रखते हैं या लंबे समय तक खाना नहीं खाते, उस स्थिति में इस अम्ल का सिक्रेशन तो होता है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में अम्लता बढ़ जाती है। और इस स्थिति में हम क्या करते हैं? इस स्थिति में हम जैसे कोई एंटासिड या प्रति अम्ल, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का घोल या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर एंटासिड टेबलेट का उपयोग करते हैं। ये एंटासिड टेबलेट्स उस अम्लीयता को उदासीन कर देती हैं और जिससे हमें राहत मिल जाती है। तो इस तरह आप देखते हैं कि अम्लीयता और क्षारीयता से हम स्वयं भी प्रभावित होते हैं। अब ये तो आप जान ही गए हैं कि हमारे अम्लीयता और क्षारीयता से हम प्रभावित होते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर हमारे आसपास की वस्तुओं में अम्ल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हम देखें कि बहुत सारे ऐसे फल और सब्जियां जिनका उपयोग हम करते हैं उनमें अम्ल पाए जाते हैं। आइए देखें, जैसे कि यहाँ पर हमने इमली, हम जानते हैं जो इमली है उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से जो सेब है उसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और इसी तरह से जो टमाटर या आंवले होते हैं उनमें ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है।
ये सभी कार्बनिक अम्ल हैं और दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, तभी तो हम इन फलों और सब्जियों को आसानी से खा सकते हैं। इसी तरह से हमारे आसपास बहुत से क्षार भी उपलब्ध हैं, जिनका हम जाने अनजाने उपयोग भी करते हैं, जैसे कि चूना। हम जानते हैं चूने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार पाया जाता है। इसी तरह से खाने का सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, यह भी एक क्षारक है। इसी तरह से जब हम एंटासिड का उपयोग करते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक उपलब्ध होता है। साथ ही साथ आप जो घर में उपयोग करते हैं कपड़े धोने का सोडा, यह भी एक क्षारक ही तो है, जिसे हम नाम देते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस तरह देखें कि हमारे आसपास और हमारे घरों में भी हम बहुत सारे अम्लों और क्षारकों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ अम्ल और क्षारक और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन अम्लों को हम कहते हैं खनिज अम्ल। ये भोज्य पदार्थों या खाने की वस्तुओं में उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं और इनका बहुत अधिक उपयोग होता है। इसी तरह से कुछ क्षारक भी हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहेंगे। कई बार आपको पुस्तक में क्षारकों के लिए कई बार क्षारक शब्द का उपयोग मिलता दिखता है, तो कहीं पर क्षार शब्द का। हम ये बता दें कि जितने भी क्षारक होते हैं या जो बेसिस हैं, उनको हम सम्मिलित रूप से क्षारक कहते हैं या बेसिस कहते हैं, लेकिन जो सभी क्षारक होते हैं वो जल में विलीय नहीं होते। कुछ ही क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलते हैं और हमें जल में विलीय होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ऐसे क्षारकों को जो कि जल में घुलते हैं और OH नेगेटिव आयन देते हैं, उन्हें हम क्षार या एल्कली कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसे पानी में घोला जाता है तो यह Na पॉजिटिव आयन तथा OH नेगेटिव आयनों में टूट जाता है, इसलिए हम इसे एल्कली या क्षार कहते हैं। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्षार हैं, क्योंकि ये जल में विलय होकर OH नेगेटिव आयन देते हैं। वैसे बाकी सभी को सम्मिलित रूप से हम क्षारक कहते हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कि अम्लीय हैं या फिर क्षारक हैं, और हम ये भी जानते हैं कि बहुत से जो अम्ल हैं वह खट्टे होते हैं और बहुत से ऐसे क्षारक हैं जो कड़वे होते हैं। लेकिन हमारे आसपास उपलब्ध विभिन्न पदार्थों को हम केवल चखकर नहीं देख सकते और ये नहीं जान सकते कि ये अम्ल है या ये क्षार, वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए? इसीलिए अम्ल एवं क्षारीय पदार्थों की प्रकृति को पहचानने के लिए हम एक बाहरी पदार्थ का उपयोग करते हैं, और इन बाहरी पदार्थों को हम कहते हैं सूचक या इंडिकेटर। आपने बहुत सारे सूचकों का नाम सुना होगा, जैसे कि लिटमस पेपर। बहुत से हमारी प्रकृति में ऐसे पदार्थ या पुष्प या वस्तुएं उपलब्ध होती हैं जो कि अम्ल और क्षारिता के प्रति सुग्राही होती हैं और अपने रंग में परिवर्तन करके हमें अम्लीयता या क्षारिता के बारे में बताती हैं। तो हम इन्हें जो प्रकृति में उपलब्ध वस्तुएं हैं उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। इन प्राकृतिक सूचकों में आते हैं जैसे कि लिटमस पेपर। इसी तरह से अन्य प्राकृतिक सूचक हैं, जैसे कि गुड़हल का पुष्प या फिर लाल पत्ता गोभी और या फिर हमारे घरों में उपलब्ध हल्दी। जी हाँ, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। सबसे पहले हम जानते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस एक प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त किया हुआ घोल होता है। वास्तव में यह लाइकेन नामक पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि कवक और फंजाई की सहजीवता का उदाहरण है। इन्हीं से प्राप्त रंगों को जल में विलेय करके
विलयन तैयार किया जाता है जिसे हम लिटमस विलयन कहते हैं। और फिर इस लिटमस विलयन को जो कि नीले रंग का होता है, इसमें जब हम फिल्टर पेपर डालते हैं और उसमें उस रंग को अवशोषित कर लेते हैं जिससे हमें नीले रंग का लिटमस पेपर प्राप्त हो जाता है। और हम जानते हैं कि जब इस नीले लिटमस पेपर को हम किसी अम्लीय विलयन में डालते हैं तो यह नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और उस तरह से हमें उस पदार्थ की अम्लीयता की सूचना मिल जाती है। इसी तरह से नीले लिटमस पेपर की तरह लाल लिटमस पेपर भी बनाया जाता है और उसे हम नीले लिटमस पेपर से ही बनाते हैं। यदि हम नीले लिटमस पेपर में कुछ अम्ल का उपयोग कर लें तो वह लाल रंग का हो जाता है। और इस तरह से जब हम इस फिल्टर पेपर को उस लाल रंग के विलयन में डालते हैं तो वह लाल रंग का लिटमस पेपर हमारे पास तैयार हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ये जो लाल रंग का लिटमस पेपर होगा यह अम्ल के प्रति तो कोई परिवर्तन नहीं दिखाएगा, लेकिन जब हम इसे क्षार में डालेंगे तो यह लाल रंग का लिटमस पेपर नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा और इस तरह से हम उस पदार्थ की क्षारीयता की सूचना प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास कुछ रासायनिक या संश्लेषित सूचक भी होते हैं जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, जैसे कि फिनोप्थलीन सूचक और मिथाइल ऑरेंज सूचक। यह जो फिनोप्थलीन सूचक है यह दिखने में बिल्कुल रंगहीन होता है और जब हम इसे अम्ल में डालते हैं तो भी इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इसे क्षार के संपर्क में लाते हैं यह गुलाबी रंग का हो जाता है। और इस तरह से यदि हमारे पास दो पदार्थ हैं तो हम उसकी फिनोप्थलीन सूचक की सहायता से अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान कर लेते हैं। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज, जैसे कि नाम से स्पष्ट है यह ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसे किसी अम्ल के संपर्क में लाते हैं या अम्ल में इसे डालते हैं तो जो विलयन है यह गहरे लाल रंग का हो जाता है, जबकि जब हम इसे क्षार के संपर्क में लाते हैं तो यह पीला रंग दर्शाता है। और इस तरह से इस मिथाइल ऑरेंज संश्लेषित सूचक की सहायता से भी हम विलयन या पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान कर लेते हैं। तो किस तरह से ये रासायनिक सूचक और ये प्राकृतिक सूचक कार्य करते हैं, आइए हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र का एक क्रियाकलाप करेंगे। रसायन शास्त्र में जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनमें से कुछ अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कुछ क्षारीय और कुछ उदासीन। रासायनिक यौगिकों की अम्लीयता और क्षारीयता की जांच के लिए एक बहुत ही प्रचलित तरीका है जिसे आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही, लिटमस पेपर की सहायता से। देखिए, मेरे पास ये है लाल लिटमस पेपर और ये है नीला लिटमस पेपर। जब हम किसी रासायनिक यौगिक को लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं और यदि उसका रंग नीला हो जाए तो वो उसकी प्रकृति होती है क्षारी। बिल्कुल उसी प्रकार यदि नीले लिटमस पेपर पर कोई रासायनिक यौगिक डाला जाए और यदि उसका रंग लाल हो जाए तो उस रासायनिक यौगिक की प्रकृति होती है अम्ली। क्योंकि लिटमस पेपर हमें रासायनिक यौगिकों के अम्लीयता और क्षारीयता की सूचना देते हैं, इसलिए इन्हें हम सूचक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, जैसे कि गुड़हर या गुलाब का फूल, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। बिल्कुल इसी प्रकार कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं, जैसे मैथिल रेड, मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ये अपने रंग में परिवर्तन कर हमें रासायनिक यौगिकों के अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति की सूचना देते हैं। चलिए हम इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो है, ये देखिए, तीन कांच की स्लाइड्स, फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज और इसमें हमने गुलाब की पंखुड़ियों का रस लिया हुआ है। और उसकी अम्लीयता और क्षारीयता की जांच करने के लिए हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH। चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मेथिल ऑरेंज को कांच की स्लाइड में तीन बूंदें इसकी ले लेते हैं। देखिए, इस प्रकार हमें इसे लेना होगा।
ये मेथिल ऑरेंज है और इसकी 3 बूंदें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसे ले लेते हैं। ये देखिए, ये हो गई मेथिल ऑरेंज की 3 बूंदें, ये हमने पहली स्लाइड में ली हुई है। इसके बाद हम ले लेते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की 3 बूंदें बिल्कुल उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम ले लें। ये देखिए, और अब तीसरी स्लाइड पर हम लेंगे गुलाब के पंखुड़ी के रस की बूंदें। इसे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पर 3 बूंदे हम ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमने तीनों स्लाइड में, पहली स्लाइड पर मेथिल ऑरेंज की 3 बूंदे ली हैं, दूसरी में फिनोफ्थलीन की और तीसरे में लाल गुलाब की। अब हम पहली स्लाइड में इसकी पहली बूंद पर बिल्कुल उसी प्रकार, दूसरी स्लाइड की पहली बूंद पर और तीसरी स्लाइड की पहली बूंदों पर HCl जो है वो हम डालते हैं। HCl की भी एक बूंद, एक एक बूंद हम इसमें डालेंगे और देखते हैं फिर कि इसमें हमें किस प्रकार का रंग परिवर्तन दिखाई देगा। ये देखिए, फिर फिनोफ्थलीन के उसमें हम ये HCl की बूंद डाल रहे हैं और उसके बाद लाल गुलाब की पहली बूंद पर। चलिए आगे हम कर लेते हैं पहले, फिर हम चर्चा करेंगे इनमें हुए रंगों में परिवर्तन की। अब मैं ले रही हूँ NaOH और इसे हम इनकी दूसरी बूंदों पर, कांच की स्लाइड की जो दूसरी बूंदें हैं उनमें हम डालते हैं दूसरी बूंद पर। ये देखिए, मेथिल ऑरेंज की दूसरी बूंद पर ये मैंने NaOH की बूंद डाल दी। और अब फिनोफ्थलीन की दूसरी बूंद पर, और ये लाल गुलाब की दूसरी बूंद पर। तो चलो बच्चों, अब हम सूचकों में हुए रंगों में परिवर्तन को देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन और लाल गुलाब की जो पहली बूंद है जो हमने लिए, उसमें हमने HCl डाला था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो देख लें। तो मेथिल ऑरेंज में जब हमने यहाँ इसकी पहली बूंद में HCl डाला तो यह ऑरेंज रंग से बदलकर यह लाल रंग का दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार फिनोफ्थलीन की पहली बूंद पर हमने HCl डाला तो फिनोफ्थलीन देखिए पहले भी रंगहीन था और अभी भी हमें रंगहीन दिखाई दे रहा है, यानी उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और लाल गुलाब में, लाल गुलाब की पहली बूंद पर जब हमने HCl डाला है तो यह गहरा लाल रंग का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार अब हम दूसरी बूंद पर चर्चा कर लें। तो मेथिल ऑरेंज की दूसरी बूंद जिस पर हमने NaOH डाला था, यह हमें पीला रंग का दिखाई दे रहा है। और फिनोफ्थलीन की दूसरी बूंद हमें गुलाबी रंग की दिखाई दे रही है। ये देखिए, इसे हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे फिनोफ्थलीन की 2 बूंदें और डाल दें तो आपको ये गुलाबी रंग स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं अब लाल गुलाब की ये जो दूसरी बूंद है इसको देखिए, यह हमें हरे रंग की दिखाई दे रही है, यानी कि इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो लाल से हरा हो गया। तो हम यह देख सकते हैं, यह हम कह सकते हैं कि जो सूचक होते हैं अम्ली और क्षारीय प्रकृति में, अलग अलग सूचक जो हैं वो अलग अलग रंग दिखाते हैं। तो आपने क्रियाकलाप के अंतर्गत देखा कि जब हमने फिनोफ्थलीन सूचक का उपयोग किया जो कि हमें वास्तविक रूप में रंगहीन दिखाई दे रहा था, लेकिन जब यह अम्ल के संपर्क में आया तो भी इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि क्षार के संपर्क में आते ही इसका रंग गुलाबी हो गया। इसी तरह से हमने देखा कि मेथाइल ऑरेंज सूचक जो कि कुछ ऑरेंज या नारंगी रंग का दिखाई देता था, जब यह अम्ल के संपर्क में आता है तो गहरे लाल रंग का हो जाता है और जब क्षार के संपर्क में आता है तो यह पीले रंग का दिखाई देता है। इसी तरह से जब हम गुड़हल के रस का उपयोग प्राकृतिक सूचक के रूप में करते हैं, उस समय जो गुड़हल का
रंग था जो कि हल्के गुलाबी रंग का होता है, जब यह अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका रंग गहरा गुलाबी हो गया, जबकि क्षार के संपर्क में आने पर यह हरे रंग को दर्शाता है। और इस तरह से हम पदार्थ की अम्लीयता और क्षारकीयता की सूचना प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से लाल पत्ता गोभी, आपने देखा कि जब लाल पत्ता गोभी जिसके रस का रंग लाल होता है और जब यह अम्लीय माध्यम में इसे उपयोग करते हैं तो यह गहरा लाल रंग ही दिखाता है, जबकि क्षारीय माध्यम में यह हरे रंग का विलयन दिखाता है। तो इस तरह से इन प्राकृतिक और संश्लेषित सूचकों की सहायता से हम पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान कर लेते हैं। आप भी इसी तरह से आसपास आपके घर के आसपास पाए जाने वाले पुष्पों की सहायता से अपना सूचक स्वयं बना सकते हैं। आप लाल गुलाब या फिर काले जामुन का उपयोग करके, हल्दी का उपयोग करके आप स्वयं सूचक बना सकते हैं। ये तो थे ऐसे संश्लेषित और प्राकृतिक सूचक जो कि रंग में परिवर्तन करके सूचना देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से पदार्थ हमारे पास होते हैं जो कि रंग में परिवर्तन नहीं बल्कि अपनी गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थों की अम्लीयता या क्षारकीयता की सूचना देते हैं। आप जानते हैं ये पदार्थ कौन से हैं? जैसे कि प्याज या फिर वेनिला एसेंस जिनका उपयोग आप केक बनाने में करते हैं, या फिर लौंग का तेल। ये सभी पदार्थ ऐसे हैं जो कि एक माध्यम में तो अपनी सुगंध बनाए रखते हैं जबकि दूसरे माध्यम में अपनी गंध में परिवर्तन कर देते हैं, और इस तरह से ये अपनी गंध में परिवर्तन करके हमें पदार्थ की अम्लीयता या क्षारकीयता की सूचना देते हैं। इसीलिए इन पदार्थों को हम गंधीय सूचक कहते हैं या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। ये इंडिकेटर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो छात्र या व्यक्ति रंगों के परिवर्तन को नहीं देख सकता वो इन पदार्थों की गंध के जो अंतर है उसको पहचान सकता है, और गंध में अंतर की पहचान करके वो उन पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता की सूचना प्राप्त कर सकता है। तो आइए आज हम प्याज को गंधी सूचक के रूप में उपयोग करते हुए एक क्रियाकलाप करते हैं और जानते हैं कि प्याज किस तरह से हमें अम्लता या क्षारकता की सूचना देता है। बच्चों, आज हम रसायन शास्त्र का एक क्रियाकलाप करेंगे। रसायन शास्त्र में जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनमें से कुछ अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कुछ क्षारीय और कुछ उदासीन। रासायनिक यौगिकों की अम्लीयता और क्षारीयता की जांच के लिए एक बहुत ही प्रचलित तरीका है जिसे आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही, लिटमस पेपर की सहायता से। देखिए, मेरे पास ये है लाल लिटमस पेपर और यह है नीला लिटमस पेपर। जब हम किसी रासायनिक यौगिक को लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं और यदि उसका रंग नीला हो जाए तो वो उसकी प्रकृति होती है क्षारी। बिल्कुल उसी प्रकार यदि नीले लिटमस पेपर पर कोई रासायनिक यौगिक डाला जाए और यदि उसका रंग लाल हो जाए तो उस रासायनिक यौगिक की प्रकृति होती है अम्ली। क्योंकि लिटमस पेपर हमें रासायनिक यौगिकों के अम्लीयता क्षारिता की सूचना देते हैं, इसलिए इन्हें हम सूचक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ प्राकृतिक सूचक भी होते हैं, जैसे कि गुड़हर या गुलाब का फूल, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। बिल्कुल इसी प्रकार कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं, जैसे मैथिल रेड, मैथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ये अपने रंग में परिवर्तन कर हमें रासायनिक यौगिकों की अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति की सूचना देते हैं। चलिए हम इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो है, ये देखिए, तीन कांच की स्लाइड्स, फिनोफ्थलीन, मैथिल ऑरेंज, और इसमें हमने गुलाब की पंखुड़ियों का रस लिया हुआ है, और उसकी अम्लीयता और क्षारीयता की जांच करने के लिए हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH। चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मैथिल ऑरेंज को कांच की स्लाइड में
तीन बूंदें इसकी ले लेते हैं। देखिए इस प्रकार हमें इसे लेना होगा। ये मेथिल ऑरेंज है और इसकी तीन बूंदें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसे ले लेते हैं। ये देखिए ये हो गई मेथिल ऑरेंज की तीन बूंदें, ये हमने पहली स्लाइड में ली हुई है। इसके बाद हम ले लेते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन की तीन बूंदें बिल्कुल उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम ले लें। ये देखिए। और अब तीसरी स्लाइड पर हम लेंगे गुलाब के पंखुड़ी के रस की बूंदें। इसे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पर तीन बूंदें हम ले रहे हैं। तो इस प्रकार हमने तीनों स्लाइड में, पहली स्लाइड पर मेथिल ऑरेंज की तीन बूंदें ली हैं, दूसरी में फिनोफ्थलीन की और तीसरे में लाल गुलाब की। अब हम पहली स्लाइड में इसकी पहली बूंद पर बिल्कुल उसी प्रकार दूसरी स्लाइड की पहली बूंद पर और तीसरी स्लाइड की पहली बूंदों पर HCl जो है वो हम डालते हैं। HCl की भी एक बूंद, एक एक बूंद हम इसमें डालेंगे और देखते हैं फिर कि इसमें हमें किस प्रकार का रंग परिवर्तन दिखाई देगा। ये देखिए फिर फिनोफ्थलीन के उसमें हम ये HCl की बूंद डाल रहे हैं और उसके बाद लाल गुलाब की पहली बूंद पर। चलिए आगे हम कर लेते हैं पहले, फिर हम चर्चा करेंगे इनमें हुए रंगों में परिवर्तन की। अब मैं ले रही हूँ NaOH और इसे हम इनकी दूसरी बूंदों पर, कांच की स्लाइड की जो दूसरी बूंदें हैं उनमें हम डालते हैं दूसरी बूंद पर। ये देखिए मेथिल ऑरेंज की दूसरी बूंद पर ये मैंने NaOH की बूंद डाल दी। और अब फिनोफ्थलीन की दूसरी बूंद पर और ये लाल गुलाब की दूसरी बूंद पर। तो चलो बच्चों अब हम सूचकों में हुए रंगों में परिवर्तन को देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन और लाल गुलाब की जो पहली बूंद है जो हमने लिए उसमें हमने HCl डाला था उसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो देख लें। तो मेथिल ऑरेंज में जब हमने यहाँ इसकी पहली बूंद में HCl डाला तो यह ऑरेंज रंग से बदल कर यह लाल रंग का दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार फिनोफ्थलीन की पहली बूंद पर हमने HCl डाला तो फिनोफ्थलीन देखिए पहले भी रंगहीन था और अभी भी हमें रंगहीन दिखाई दे रहा है, यानी उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और लाल गुलाब में, लाल गुलाब की पहली बूंद पर जब हमने HCl डाला है तो यह गहरा लाल रंग का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार अब हम दूसरी बूंद पर चर्चा कर लें। तो मेथिल ऑरेंज की दूसरी बूंद जिस पर हमने NaOH डाला था यह हमें पीला रंग का दिखाई दे रहा है और फिनोफ्थलीन की दूसरी बूंद हमें गुलाबी रंग की दिखाई दे रही है। ये देखिए इसे हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे फिनोफ्थलीन की दो बूंदें और डाल दें तो आपको ये गुलाबी रंग स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। ये देखिए देख पा रहे हैं अब लाल गुलाब की ये जो दूसरी बूंद है इसको देखिए यह हमें हरे रंग की दिखाई दे रही है, यानी कि इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो लाल से हरा हो गया। तो हम यह देख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जो सूचक होते हैं अम्ली और क्षारीय प्रकृति में अलग अलग सूचक जो हैं वो अलग अलग रंग दिखाते हैं। तो इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि जब प्याज अम्लीय माध्यम में होता है तो अपनी सुगंध बरकरार रखता है, यानी कि उसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जैसे ही प्याज में हम क्षार जैसे कि साबुन का उपयोग करते हैं तो वैसे ही इसकी गंध वहां से चली जाती है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ, कोई अज्ञात पदार्थ हमें दिया गया हो और यदि हम उसे प्याज के रस से बना सूचक पत्र उसमें डालते हैं और यदि उसके रंग में, गंध में परिवर्तन नहीं होता है तो हम जान जाएंगे कि वह पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है।
और यदि उसकी गंध चली जाती है तो हम ये जान सकते हैं कि वह पदार्थ क्षार की प्रकृति का है। यही प्रकृति हमें वेनिला एसेंस तथा लौंग के तेल से भी प्राप्त होती है। जब ये अम्लीय प्रकृति में होते हैं तो अपनी गंध में परिवर्तन नहीं करते, यानी कि इनकी गंध बनी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही ये क्षारीय माध्यम में पहुंचते हैं इनकी गंध गायब हो जाती है और इससे हम पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान कर लेते हैं। अभी आपने अलग अलग सूचकों के साथ अम्लों एवं क्षारकों के गुणों को जाना। आइए अब हम जानते हैं कि ये अम्ल एवं क्षारक किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, यानी कि इनके रासायनिक गुणों को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये अम्ल तथा क्षारक धातुओं के साथ किस प्रकार की क्रिया करते हैं। जब भी अम्ल या क्षारकों की क्रिया धातुओं के साथ होती है तो ये लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है और इसकी क्रिया धातु जिंक के साथ करवाते हैं, जो कि एक बहुत ही सक्रिय धातु है। जब इनकी क्रिया होती है तो हमें यहाँ पर जिंक क्लोराइड लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसके लिए जब गैस निकल रही होती है तो उस समय हम परख नली के मुंह पर यदि जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं तो हमें एक पॉप की आवाज़ सुनाई देती है, जो दर्शाता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। आइए इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। बच्चों, हम क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया पर एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वह है एक परख नली, होल्डर, और धातु के रूप में हम ले रहे हैं दानेदार जिंक, और क्षार के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले परख नली को हम होल्डर में इस प्रकार फंसा लेते हैं। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए और अब हम ये जो दानेदार जिंक है इसे हम परख नली में डालते हैं और उसके बाद क्षार यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की अभिक्रिया हो रही है और आपको यहाँ सतह पर ये देखिए बुलबुले नजर आ रहे हैं। अभिक्रिया के पश्चात यहाँ हमें गैस के बुलबुले नजर आ रहे हैं। अब ये कौन सी गैस है, इसके परीक्षण के लिए हम परख नली के मुंह के सामने माचिस की जलती हुई तीली लेकर आएंगे। देखिए जरा आप ध्यान दें, ये देखिए ये जो लौ है आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो निकलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, जिसके कारण माचिस की तीली की जो लौ है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दी। तो इस अभिक्रिया में जब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हुई तो हमें मिला सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुई। इस अभिक्रिया का समीकरण आप यहां देख सकते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जब क्षार की धातु से अभिक्रिया होती है तो एक लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। तो आपने देखा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम जिंक धातु के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम जिंकेट लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसे हम पॉप की आवाज के साथ पहचान लेते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ये अम्ल धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। पहले हम क्रियाकलाप करते हैं, उसके पश्चात हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझते हैं। बच्चों, आपको भी गुब्बारों से खेलना पसंद है ना? मुझे भी। और जब आपके घर में बर्थडे पार्टी होती होंगी तब आपको ढेर सारे गुब्बारे फुलाने पड़ते होंगे।
तो चलिए मैं आज आपको गुब्बारे फुलाने का मजेदार तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैंने इस परख नली में एक द्रव लिया हुआ है और इस गुब्बारे को मैं अब इसके ऊपर करती हूँ। देखिए क्या होता है। अरे ये गुब्बारा तो अपने आप फूल रहा है। क्या ये जादू है? नहीं बच्चों, ये जादू नहीं है। वास्तव में यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मैंने इस परख नली में HCl अम्ल लिया हुआ था और इस गुब्बारे में मैंने सोडियम कार्बोनेट छुपा कर रखा था। जब इन दोनों के बीच क्रिया हुई तो एक गैस बनी और इस गैस की वजह से गुब्बारा फूल गया। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये निकलने वाली गैस कौन सी थी। बच्चों इसके लिए हमें क्रियाकलाप करना होगा। और इस क्रियाकलाप के लिए हमें कुछ उपकरण तथा कुछ रासायनिक अभिकर्मकों की आवश्यकता होगी। बच्चों इसके लिए मैंने कोनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है। इसमें मैंने दो छेदों वाला कार्क फिट किया है, जिसमें से एक छेद से मैंने थिसिल की फिट की है और दूसरे छेद से मैंने ये निकास नली लगाई है। अब इस निकास नली को मैं चूने के पानी में डुबा देती हूँ, इस तरह से। बच्चों ये चूने का पानी बनाने के लिए आप जो बाजार से चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लाते हो, इसे पानी में घोल देंगे जिससे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। जब अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम 4 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ठोस पदार्थ नीचे तली में बैठ जाएगा तब हम ऊपर के स्वच्छ रंगहीन विलयन को बड़ी सावधानी से एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और यही स्वच्छ रंगहीन विलयन हमारा चूने का पानी है। इसके अलावा बच्चों हम इसमें लेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए तो अब अभिक्रिया करके देखते हैं। इसके लिए मैं इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इस थिसल कीप के द्वारा कोनिकल फ्लास्क में लिए सोडियम कार्बोनेट में डालती हूँ। बड़ी सावधानी से डालेंगे। देखिए यहाँ पर आपको रासायनिक अभिक्रिया होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ गैस भी निकल रही है। देखते हैं कि इस चूने के पानी में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं ये चूने का पानी काफी दुधिया हो गया है, जो ये सिद्ध करता है कि निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वो कैसे, मैं समझाती हूँ। बच्चों जब अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। जैसे कि यहाँ पर HCl की सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया हुई तो NaCl लवण तथा जल बना एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। अब जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम रंगहीन स्वच्छ चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो ये चूने का पानी दुधिया हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है जो कि जल में अविलेय होता है और इसलिए चूने का पानी दुधिया हो जाता है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि जब अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेटों यानी कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो लवण और जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये दोनों अभिक्रियाएं आपके सामने दी हुई हैं। तो इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि जब हम धातु कार्बोनेटों की क्रिया अम्लों से कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होते हैं, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसी तरह से जब हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो भी हमें लवण प्राप्त होते हैं, जल प्राप्त होता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और आपने देखा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान हमने कैसे की,
आपने देखा कि जैसे ही हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो चूने का पानी कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से दुधिया हो गया। यही पहचान है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। हाँ, आपने यह भी देखा कि यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा समय तक प्रवाहित करते हैं तो यह दुधिया रंग गायब हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड अब कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अविलेय था उसके साथ क्रिया कर लेती है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है जो कि विलेय है, और इस वजह से जो दुधिया रंग है विलयन का वह गायब हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी अम्ल धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इतना ही नहीं, बहुत से छोटे जीव तथा कुछ पौधे भी इन अम्ल तथा क्षारकों का उपयोग अपनी स्वयं की रक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं, जो उन्हें प्रकृति द्वारा दिया गया वरदान है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आपको चींटी या फिर मधुमक्खी काटती है तो आपको कितनी जलन होती है, क्योंकि वह आपकी त्वचा पर फार्मिक एसिड का सिक्रेशन करती है। लेकिन यदि हमें पता हो कि यह अम्ली है और इसके लिए हम एक क्षारक का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपके घर में आसानी से मौजूद होता है, जी हाँ, साबुन का घोल। यदि हम मधुमक्खी या फिर चींटी के काटने की जगह पर साबुन का घोल लगा दें तो हमें राहत मिल जाती है। इसी तरह से आपने देखा ततैया जो कि पीले या काले रंग की होती है, जब यह हमें काटती है तो यह हमारी त्वचा पर क्षारक का सिक्रेशन करती है, और इसीलिए यदि हमें पता है कि यह क्षारक है तो हम उसकी जगह पर कोई अम्ल लगाकर इस क्षारकता से छुटकारा पा सकते हैं, जलन से छुटकारा पा सकते हैं। और इसीलिए जब ततैया काटती है तो उसकी काटी हुई जगह पर यदि हम सिरका या एसिटिक एसिड लगा दें तो हमें जलन से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह से कुछ पौधे भी जैसे कि नेटल प्लांट, इसकी पत्तियां यदि हमारे त्वचा पर संपर्क में आ जाएं तो हमें तीव्र जलन होती है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं ये हमें हमारी त्वचा में मेथेनॉल सीक्रेट करती हैं, और चूंकि यह मेथेनॉल त्वचा में जलन उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें जैसे एक पत्ती हमारी त्वचा में जलन उत्पन्न करती है तो ऐसी और भी औषधि पत्तियाँ हमारी प्रकृति में पाई जाती हैं जो इस जलन से छुटकारा दिला सकती हैं। जी हाँ, इन्हीं नेटल्स प्लांट के आसपास एक और पौधा पाया जाता है जिसे हम डेक प्लांट कहते हैं। यदि नेटल प्लांट की त्वचा के यदि नेटल प्लांट के द्वारा की पत्तियों के द्वारा जहाँ पर जलन उत्पन्न हुई है यदि हम वहाँ पर डेक प्लांट की पत्तियों को रगड़ दें तो हमें जलन से छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह हम देखें कि हमारी प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के अम्ल क्षार मौजूद हैं, लेकिन यदि हमें उनके गुणों के विषय में जानकारी हो तो हम उनका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं।